ब्रेकफास्ट में आज थोड़े से फ्रूट्स, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लंच थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में ना थकान बहुत जल्दी होती है, कमज़ोर बॉडी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। सर्दियों में तो फिर भी चल जाता है, ना इतनी धूप होती है, ना इतनी गर्मी होती है, ना थकान होती है ज़्यादा, तो पता नहीं चलता। अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, अभी इसके बाद प्रोटीन शेक भी पीऊंगा। माय मॉर्निंग इज नॉट गुड। गुड मॉर्निंग, क्या हो गया? मेरे यार वो पेट दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है यार। इसके पता नहीं वो जो पेट की धड़न वाली सीन है ना, वो सही नहीं हो रही है। दो दिन सही रहती है, फिर खराब हो जाती है। कोई नहीं, अभी इसको लेकर जा रहा हूँ घर। ये देखो, इसने ड्रायर वगैरह से पैक कर लिया, इसको बाल धोने। वैसे दो दिन पहले धोने थे, लेकिन वर्क की वजह से धो नहीं पाई, आज धो रही है ये। इसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज कुछ नहीं किया। है ना कितना ठंडा बेसमेंट, बिल्कुल एसी जैसा हो रहा है बेसमेंट। यहाँ कोई फ्लैट नहीं है कि नीचे बेसमेंट में? अगर ये 2 मिनट और लेट आता तो ये कल की तरह गाड़ियों में बैठा रहता। अभी तो धूप भी है भाई, रात को तो चल फिर भी बहुत अंदर ठंडा था। खोल दिया, खोल दिया, आ जाओ। नमस्ते। इसको लेकर जा रहे हैं इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। धरणी थी मेरे, और अब मुझे कम से कम 7-8 दिन तक कुछ भी वजन वाला नहीं उठाना है। हमारी वो जो वो वाली है ना सूरज, जिस पर रख के मेकअप वगैरह करती हूँ मैं, क्या यूजुअली उसको खिसका देती हूँ, तो खिसकाने से भी वो पेट की नस, अगर आपने कुछ खाया नहीं है ना, तो इधर उधर हो जाती है। तो अब ध्यान रखना, अब उसका ध्यान रखना है मेरे को। बट मैं तो जाननी है वो अब आई एम परफेक्टली ऑलराइट, अब मुझे कुछ नहीं हो रहा। नॉर्मल हो गई? हाँ, फट से नॉर्मल हो जाती है। ये तो दिक्कत है अभी तक। देखना सूरज कहीं कहीं में से रुमाल निकल रहे हैं। मेरे को कॉल कर देना बाल धोले का। आज कार घर के बैक साइड में पार्क करनी पड़ रही है, इस वाली रोड पर। ये बहुत पतली रोड है, यहाँ पर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं कार लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं होती कि गाड़ी निकल पाए। बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उधर वाली रोड पूरी टूटी हुई है। मैं भी आप लोग को दिखाता हूँ। मम्मी ने कॉल करके बोला था कि पीछे वाली रोड पर लगाना, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं था कि यहाँ पर रोड बनने लग गई है, ऑलमोस्ट टूट गई है हमारे गेट के आगे से। ये देखो पूरी रोड टूटी हुई है, और ये हमारी नई पाइपलाइन डल रही है, यहाँ से मम्मी ने करवाया काम। ये 7-8 दिन तो ऐसे रहेगी शायद टूटी हुई। गर्मी बहुत तेज है भाई, बहुत तेज। जा बाहर मत घूमियो, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। कुछ खोलना ही मत, नहीं तो ये बाहर बीमारी हो जाएगा, बहुत तेज धूप हो रही है। तो ये जाते ही नहीं मेरे साथ, साथ में सोता है ये तो। रात को खुर्रे में जैसे वो बिल्डोजर का पड़ा हो रही, इतना चिल्लाना, अनुज पे चिल्लावे, मुँह पे चिल्ला। मैंने जब पापा को बुला के ला, पापा को बुलाने के लिए यहाँ तक आओ, वो चिल्लावे उसके, उसने तो जैसे गया तो ऐसे पकड़ लिया, बोले आंटी मैंने कहा, बोले ये चिल्ला रहा है, मैंने आप बिल्डोजर मारोगे तो जब तक चिल्लाएगा खुद शांत हो जाएगा। रात को जब गेट अपना खुर्रा टूट रहा था, हाँ, तो अपना गेट हो गया ना, तो ये तोड़ने नहीं देगा ना। हाँ, बहुत इतनी तेज चिल्ला रहा था, इतनी तेज तेज भैया से बोल रहा था, अनुज पे चिल्ला रहा था, तोड़ रहे में जब पापा को बुला ला, तो फिर पापा को बुलाने यहाँ तो कब्रे तक आ गए। काफी टाइम बाद बन रही है, और इस रोड को बनना जरूरी भी था, क्योंकि पूरी टूट गई थी स्टार्टिंग से एंड तक। बताया भी था मैंने पहले ब्लॉग में कि इतनी बेकार रोड हो रखी है कि बारिश में तो पता भी चले कोई भी किसी गड्ढे में कुछ गिर जाए। शशि के बाल धुलने में और सूखने में इतना टाइम लग रहा है कि भूख लग गई मुझे वापस से। और आज का मेरा लंच है दाल चावल। ये देखो अभी ये मुझे कैमरा देखे क्या है, एक्चुअल में मेरी क्या है, वहाँ पर मैं खाना खा लिया था मैंने, और बैठे बैठे एकदम से हल्का सा नैप लग गया, फिर एकदम जैशी का फ़ोन आया, वो बोली कि मैं हर्ष के साथ जा रही हूँ, हर्ष आ चुका है यहीं पर, तो हाँ तू आ जाना सीधे। तो मैं निकला, मैं उठ के सीधे निकल गया इधर, और उठ के निकला तो मैं वो कैमरा वहीं छोड़ गया, फिर इधर चल के आया। मैंने कहा मैं कुछ भूल रहा हूँ शायद से, फिर याद आया कि मैं कैमरा भूल गया। फिर मेरी इच्छा नहीं हुई कि उधर वापस गली में ले जाऊँ, पत्ती सी गली में, तो फिर मैंने अनुज को इधर ही बुला लिया। तो अभी चलते हैं फ्लैट, देखो कैसी आधी लाइट आ रही है मेरे फेस पे। हमारे घर में बहुत तेज गर्मी थी आज। तुम्हारे घर में गर्मी, मतलब ऑफिशियली अब अनाउंस कर सकते हैं कि भाई गर्मियां बहुत तेज चालू हो चुकी है। अगर इनके घर में गर्मी तो मतलब गर्मी चालू हो चुकी है। सुनो गुटली आज क्या किया, क्या वो मैंने उसको गोद में लिया, मैं जैसे करूँ गुटली आ जा उल्टी, फिर थोड़ी देर बाद वापस है, मैंने कहा आ जा गुटली उल्टी, उसको पता नहीं पता था क्या होता है, सूसू पॉटी उल्टी, नहीं करता वो शक्ल देख के उसको उल्टी आ गई। आज मेकअप करके नहीं, मैं कभी मेकअप करके नहीं जाती, इसकी शक्ल देखती उल्टी। सुनना और
मैंने ना खूब देर तक सोया नहीं, अपनी मम्मी के पास सोया, मम्मी के पास किसी के पास सोया, फिर मैंने इसे लिया, लेते ही यहाँ पर मेरे ऐसे गर्दन का पट्टस हो गया। कल उसका फोर्थ बर्थडे, लाइक फोर्थ मंथ बर्थडे है। अभी टाइम हो गया मेरे जिम जाने का, तो मैं निकलता हूँ जिम, और जिम के बाद मिलता हूँ। जिम के बाद टिपोरे भी आ जाएंगे, तब तक मैंने बुला लिया उनको। उसके बाद मुझे एक इंपॉर्टेंट शूट के लिए जाना है, वो शूट होगा अश्विन भैया के घर। फटाफट जिम करके आता हूँ, उसके बाद शूट करना है। तो थोड़ा बहुत काम है आज दिन में, तो थोड़ा सा आलस कर लिया, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट काम है वो कम्प्लीट करना ही है। एक स्कूप BCAA डाल लेते हैं। वैसे ना BCAA मुझे ना वर्कआउट के टाइम पीने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि ना इससे गला सूखता है, मुंह सूखता है, और बार बार प्यास लगती है। मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बोल रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ। अच्छा। आ रहा हूँ एक घंटे में, ओके। मेरी जिंदगी में जिम ही नहीं है। मम्मी ने बोला है 8-10 दिन मना कर दिया वेट उठाने। अरे यार मेरी वो क्या है, नस फट से इधर उधर हो जाती है, मम्मी की भी सेम प्रॉब्लम है। बन बन बन, सुन इधर आ। क्या हो गया? आना क्या है, चल ना। अरे तो फोड़ ले, तुझे बंद हो, एक मिनट बाद में रेडी। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी। क्या हो गया? चल 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 चल, सब अंदर ही। क्या चाहती है? चल चल भाग भाग। अरे क्या है, क्यों लिया है मुझको? अरे धक्के मार रही है। सुना अरे सुनो ना, ऐसे बोल रही हूँ कि ना, मतलब बहुत दिन हो गया अपन ने, मतलब ऐसे कुछ शैतानी वैतानी नहीं गई। भैया तो चले ही गए। गया वो जिम गया? हाँ, कब के गए ना वो तो। क्या शैतानी? कुछ करते हैं ना, मतलब पहले जैसे अपन मस्ती नहीं करते थे, जैसे कभी उन पे इचिंग प्रैंक कर दिया वगैरह वगैरह। अभी क्या प्रैंक करेंगे? लेकिन अभी क्या करें, वही पूछने तो आ रहे हैं ना, कुछ करते हैं। होली बना दे उनके साथ अभी। हाँ नहीं, मतलब ऐसे ऐसे प्लान करते, उनको पता भी नहीं तो क्या हुआ। प्रैंक तो प्रैंक होता है, बात तो सही है, लेकिन यार वो सूटेगा। मैं बताती, पिचकारियां ले आते हैं, कलर ले आते हैं, उनके पड़ा देंगे, मजा आएगा। दीदी बहुत टाइम हो गया। वाह, वो मन नहीं लग रहा, गुस्सा करेगा। मुझे ऐसा लगता है यार, देख जिम से आके बॉडी हीट गर्म रहती है, फिर तो थोड़ी देर रेस्ट करवा लेंगे, फिर कर देंगे। नहीं नहीं, बिना रेस्ट ही करवाएंगे, मजा आएगा। वो गुस्सा करेंगे, गुस्सा को मजा आएगा। अपन इनके ऊपर नाम लगा देंगे। हम तो इनके ऊपर नाम लगा देंगे भाई। गाइस मैं आपको बता दूं, ये प्रैंक नाम मैंने सोचा है ना, कुछ क्या है, इनको पता नहीं कहां से भूत चढ़ गया। वैसे इनकी हालांकि तुम्हारी बात भी सही, काफी दिन हो गए, पर कैसे उदम उदम करे हुए। करते हैं करते हैं करते हैं जाओ भाई लियो। अच्छा तुम खान, कुछ खाने को भी लेना, मुझे भूल गई। और सूरज सुनो सुनो, टाइम 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 टाइम, कितने देर में बज रहे हैं? रुक जाओ, वो एक घंटे में आ जाता है फिक्स, एक डेढ़ ज्यादा, एक घंटे में आ जाता है। गाइस वी आर डूइंग अ प्रैंक आफ्टर सो लॉन्ग। भाई यार, होली प्रैंक बाहर, बिल्कुल बाहर, एकदम बाहर। टीपू भैया सूरज के साथ अपन प्रैंक कर रहे हैं अभी। ले आए तुम्हें जो बोला था, होली से गाइस मुझे याद आया, सुयश क्लोथिंग पे होली की सेल ऑन हो गई है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर चेक करना, इट्स अ स्टील डील गाइस, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक इन आवर डिस्क्रिप्शन। एंड ये तो आप देख रहे हो कि बहुत तगड़ा होने वाला है, हर्बल लेकर आई हूं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आउट दो यार, जल्दी जल्दी यहां से, वो आने ही वाला है कुछ ज्यादा देर में। मैं तो पार्टी में जाकर उनको मिला रही हूं। मैं ये सोच रही थी कि ये गेस्ट रूम सूरज करूंगा, गेस्ट रूम वाले में रख ले, लेकिन यार वो गेट खुलता नहीं, वरना सीधा वहां से बालकनी में जाते। तो फिर इधर आ जाओ मेरे वाले वॉशरूम में आ जाओ। क्या
कितना प्यारा कलर है। अब इसको मिलाएगा, अरे डाल ना, पूरा नहीं, पूरा नहीं, थोड़ा तो डाल ना। ब्लू ब्लू बलू बलू अरे गोले का कलर लग रहा है मुझे तो, जो साइड से पानी, गोले की खुशबू कितनी अच्छी है ग्रीन। अरे भाई ये क्या है गंदी सी, अरे दादा अब है हम एकदम तैयार, अब उसको होने दो। देखो अभी प्रेपरेशंस तो एकदम ताबड़तोड़ हो चुकी है, लेकिन ये चीज करनी कैसे है ये अभी थोड़ा सा टॉस पे है, क्योंकि देखो हमने ये सोचा है कि मुझे पता है वीडियोस यहीं बनने हैं, मतलब लाइट जलाओ एक बार, टीपू भैया यहाँ रहेंगे और यहाँ से ऐसे वीडियोस बनेंगे, आपने कई वीडियोस हमारे देखे भी होंगे। तो मैं एक काम करूंगी, टीपू भैया के पास कैमरा रख दूंगी, उनको ऐसे बोलूंगी टीपू भैया आप बीटीएस वगैरह शूट कर लो, इस तरीके से आप कुछ कर लेना, तो बेसिकली कैमरा आपके पास रहना चाहिए, ठीक। मैं सूरज के साथ ही रहूंगी और मीकू और चिया रहेंगे बाहर, क्योंकि जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो मैं टीपू भैया और सूरज ही रहते हैं। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कैमरा प्लेस करने की। अब देखो मीकू और चिया सुनो मेरी बात, इधर आओ एक बार, देखो एक्सआर को प्लेस करना है ऐसी जगह पे कि तुम आते हुए दिख जाओ, क्योंकि यहाँ से ही आओगे तो हम वहाँ वीडियो बना रहे होंगे, तो तुम जब यहाँ से आओ तो वो चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ बिल्कुल भी पता ना चले और सब कुछ रिकॉर्ड हो तमीज से। ये देखो हमारी बचपन वाली सिगरेट की जाती है, कौन है, अरे रुक जा ना, पिटेंगे आज दीदी से मेरी एक बड़ा बन ये क्या कर रही है, बचपन वाली सिगरेट फूंक रही हूँ, टनो ने बोल दी इसे, बना ये आती थी इसको क्या बोलते हैं टॉफी, गर्मी में वर्कआउट करने में ना हालत टाइट हो गई मेरी तो, क्या हो गया, अरे मेरा लाइट रखा गया, ये बोल रहे भाई इनको मूवी देखने जाना है आज 10 बजे, तो अपन पहले काम खत्म कर ले, कश्मीर फाइल्स देखने जा रहे हैं, बाकी होती तो मैं तो छुड़वा देता इनकी, कश्मीर फाइल्स देखने जा रहे हैं, रख यार बाद में कभी और। दो ही मिनट में एकदम रेडी सूरज, मैंने टीवी भैया को कैमरा पकड़ा रही हूँ, थोड़ा सा अपन बीटीएस वगैरह भी शूट कर लेते हैं, क्या बोलता है, जब करते हैं वैसे अपन डांस तो बना रही है बीटीएस का, क्या आज तो प्यार वाले वीडियोस बन रहे थे, आई कैन कोई रीटेक तो होगा नहीं, रीटेक नहीं होगा, बट क्या हो गया तो बताए तो सही अपनी ऑडियंस को, अपन कैसे वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, लो टीवी भैया कैमरा हैंडल करो, लेट्स गेट, बैठ जाऊं मैं, बैठ जाऊंगी तो पागल ही तू हो जाएगा, अरे ये सब हटाओ, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये दिखा रहा था मेरे को बीटीएस में, यहाँ पर लोग कच्चे टॉवल्स फूंक रहे हैं, थक थक, 1 2 थक थक, ये लड़की वाला क्यों करा रही है, ये देख यही चल रहा है, मुझसे क्यों करा रही थी तू, अकेले बना ले इसको, थक 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 ऐसे, अच्छा थक थक, अरे हाँ ऐसे ऐसे लेके, अब ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार, हैप्पी होली प्रैंक, हैप्पी होली प्रैंक, हैप्पी होली प्रैंक, मैं नहीं था सूरज भी, मैं नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, रुको रुको रुको, वो पार्टी लाओ, पार्टी लाओ, पार्टी लाओ, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, नए नए कपड़े यार, तो क्या हो गया, होली है भैया, पूरा मत मानो भैया, पूरा क्यों मान लो, पूरा तुम पूरा मत मानना, फिर रुक, ऐसी बात है, ऐसी बात है, बहुत बुरा फंस जाएगी तू, तेरे को वैसे ही कलर दिक्कत है, कहां पर पानी डाल रही है, मान जा, हर भाई कलर है, अब दूर हट जाओ, से दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, रुको रुको, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, भैया यार, हैप्पी होली प्रेयर, भैया भैया ले पकड़, हो गया तो भैया, ये मेरा प्लान है, मैं तो कहा था, मैं तो था ही नहीं, मैं तो था, मेरा भैया आपके साथ होली में कलर, कलर में पानी में कलर मिलाया हमने, अभी ये तो खड़े भी साइड है कि मैं कलर नहीं फेंक सकता हूँ, कैसा लगा फ्रेंड, कैसा लगा तुम्हारी वाट लगने वाली बहुत, तो यार भैया ऐसे सीरियस क्यों ले रहे हो, हमने प्रैंक ही तो किया है, ये तो गलत बात हो गई, ये तो क्या है, तो होली 2 दिन बाद कर लेते हैं, 1 दिन पहले कर लेते होली के दिन, अभी यार काम कर रहे हैं अपन, उनको भी जाना है, अरे तो क्या हो गया, हो गया काम तो, हां भैया डांस सही में जाना है या पागल बना, सही में जाना मूवी, ये तो वो तो एक आप नहीं जाओगे, अरे ऐसे मत करो यार, सुन भी
फिल्म देखो, आप आपने ही बोला था इतनी बढ़िया फिल्म है। सूरज भैया ये तो गेम में नहीं थी। ठीक है अभी ये बचा के रखा, तू बचेगी नहीं, अब तू देख लेना। मैंने नहीं सोचा ये इन दोनों का प्रैंक था, स्वेयर इन दोनों ने दिमाग लगाया, स्वेयर इन्होंने लगा दिया था आपको, इन दोनों की मिली पकड़। देख ले कल तेरे चार घंटे खराब होंगे। दूसरी अरे सुनो सुनो तुम्हें, अरे सुनो अब क्या करना चाहिए ये कितने कलर लगा रखे तुमने? चार भैया, चार लगाए थे, अब मेरे को पता चल रहा है उल्टा मेरा गाल स्टेन हो गया हरे कलर का, एक हराम ने पक्का रंग भी डाला था, इधर स्टेन हो गया गाल। इनको संभाल के रखो, कल भी है परसों भी है, तीन दिन है भाई, इनको संभाल के रखो, दिखने नहीं चाहिए किसी को। कल कल दिन में अगर कोई आता ना तो प्रैंक करना डालना, ठीक है? ओके ओके, अलावा कोई आता ना मैं भी जा रही हूँ नहाने, गीला जो हुआ है वो नहाने रहेगा, पहले मैं जाऊंगी, मैं जल्दी ना बाथरूम में जा, मेरे वॉशरूम में जा रहा हूँ। हाँ लिया हूँ मैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी कि एक बार मेरा कलर उतर गया, क्योंकि जितनी बार मैं घिसता ना उतनी बार उतना गुस्सा मेरा तेज होता जाता। बट अभी मेरे को ना मंदिर जाना है, आज मंदिर नहीं गया मैं। हाय वेलकम, शॉपिंग नहीं है इसके घर से, पता नहीं क्या क्या दिया है अंकल आंटी। ये तो क्या है? दैट्स अ फूड, व्हाट इज दिस? ये कपड़े कपड़े, ये रुमाल। थैंक यू। तो चलो गाइज, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं कल, बाय।